वनडे फाइनल जीतने के लिए रोहित ने 11 खिलाड़ियों पर लगा दी मोहर। तीसरे वनडे में रोहित विराट की वापसी से बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। इन खिलाड़ियों को कप्तान दिखाएंगे तीसरे वनडे से बाहर का रास्ता। वनडे सीरीज जीतने के लिए भारतीय कोच और कप्तान ने बनाया तगड़ा प्लान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज से 6 विकेट से हरा दिया था। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम मैनेजमेंट के लिए ये हार चौंकाने वाली रही। दूसरे वनडे में टीम इंडिया के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेस्ट दिया गया था। टीम इंडिया का दाव उल्टा पड़ गया और भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। अब तीसरे वनडे में रोहित विराट की वापसी तय हो सकती है। ये खिलाड़ी करेंगे पारी की शुरुआत। दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत ईशान किशन और शुभमन गिल ने की थी, लेकिन तीसरे मैच में रोहित शर्मा की वापसी से किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है, क्योंकि रोहित ने ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं और उन्होंने ज्यादातर रन इसी पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली को उतारा जा सकता है। पिछले एक दशक में नंबर 3 पर कोहली भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। ऐसा हो सकता है मिडिल ऑर्डर। टीम इंडिया में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन को दी जा सकती है। उन्होंने सीरीज के पहले 2 मैचों में बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी की है और दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने पहले मैच में 52 रन और दूसरे मैच में 55 रनों की शानदार पारियां खेली है। सूर्य कुमार यादव को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए टीम में एक और मौका दिया जा सकता है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या को उतारा जाएगा। पिछले कुछ समय से हार्दिक अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आ रही। वह गेंदबाजी से प्रभावित करने में भी विफल साबित हुए हैं। इन गेंदबाजों को मिल सकता है मौका। मोहम्मद सिराज के वापस भारत लौटने की वजह से टीम इंडिया के पास अनुभवी तेज गेंदबाज नहीं है। टीम इंडिया के लिए उमरान मलिक कमाल नहीं दिखा पाए। शार्दुल ने जरूर मिडिल ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं मुकेश कुमार ने कई बेहतरीन स्पेल फेंके। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव तो रविंद्र जडेजा को सौंपी जाएगी। कुलदीप यादव ने पहले मैच में 4 विकेट झटके थे। इन खिलाड़ियों को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता। तीसरे वनडे में रोहित और विराट कोहली की वापसी से संजू सैमसन और अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं उमरान मलिक को शुरुआती 2 वनडे मैचों में 1 भी विकेट नहीं मिला है। ऐसे में उनकी जगह जयदेव नाथकट को मौका मिल सकता है। तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 ये हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, जयदेव नाथकट और शार्दुल ठाकुर। तो अब देखना होगा तीसरे वनडे में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है और सीरीज अपने नाम करती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।